प्रमोद सिंह चौहान, जिला पूर्व जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस आगरा। आज शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पैदल सुभाष पार्क से लेकर कलेक्टर तक पैदल मार्च चलते हुए महंगाई के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम सभी महिलाएं निंदा कर रहे हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जहां इतनी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल के दाम हो, चाहे वो पेट्रोल दाम हो, चाहे वो गैस संबंधित हो। हर तरह से महंगाई, चारों तरफ से महंगाई घेर रखी है। जनता तरह तरह हो रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा से जूझ रही है। काम धंधे बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। हम लोग सब विरोध कर रहे हैं इस मैटर पर, और हम चाहते हैं जितने दाम बढ़े हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और ऐसी ऐसी सरकार की निंदा करते हुए इस सरकार को हम हटाना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम है तो मोदी ने योगी ने इतनी महंगाई कर रखी है सिलेंडर पे, पेट्रोल पे, डीजल पे और दाल चीनी आटे पे। और देखो टोरेंट को देखो, जिन महिला के पास में 100 रुपए कमाने वाला नहीं है, 50-50 हजार का बिल, 1-1 लाख का बिल, 6-6 लाख का बिल, ऐसा क्यों? कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार जो आई थी उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इन्होंने योगी मोदी ने क्यों किया? अब देखिए सिलेंडर की महंगाई को लेकर देखिए, कांग्रेस के राज में 4 समाप्त सिलेंडर का, और इस सरकार में बीजेपी की सरकार में, गुंडे सरकार में, लुटे की सरकार में, झूठी सरकार में, जुमलेबाजी की सरकार में 800-900 रुपए का सिलेंडर हो गया। गरीब ऐसे भी मर रहे थे और वैसे ही डीजल 100 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो कड़वा तेल, 150 रुपए किलो रिफाइन। गरीब लोगों के पास में रोजगार छीन लिया मोदी ने, योगी ने, जब रोजगार ही नहीं है कहाँ मिलेंगे गरीबों के पास? कटोरा डालेंगे, लौटेंगे, कटोरा हाथ में दे दिया योगी मोदी, होश में आ जाओ। अब कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की महिला, गरीब महिला रोड पे आ चुकी है, या तो होश में आ जाओ और कुर्सी छोड़ो, गले चलाओ। वही कांग्रेस पार्टी रोड पे आके इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और करेगी, न खाने देगी और न खाएगी। आज के बारे में बता दीजिए, आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन है। हाँ भैया, सिलेंडर जहां 800 रुपए हो गया है, जहां 300-350 रुपए पे हल्ला मचाया करते थे, सड़कों पे लेटा करते थे, आज वो लोग बिल्कुल चुप हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, गरीब की रोजी रोटी है नहीं, व्यापार कहीं है नहीं, रोजगार कहीं है नहीं, फिर आज की तारीख में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। उससे भी महंगाई, उससे महंगाई आसमान छूने छू रही है, कहीं कोई नाम लेने का नाम। सरकार अभी पैसों को कम करने का नाम नहीं ले रही है। डीजल पेट्रोल में जो वृद्धि हो रही है उसके विरोध में कांग्रेस आगरा में सैलाब उमड़ा हुआ है, और हम लोग विरोध करेंगे जब तक ये लोग अपनी मांगों को, हमारी मांगे मानेंगे नहीं, तब तक हम इनका विरोध करते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।